ज पार्ट थ्री ऑफ दी हाईब्रिड कैलिस्थेनिक सीरीज और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था इस वीडियो में हम बात करेंगे हाईब्रिड कैलिस् वर्कआउट के स्ट्रक्चर के बारे में अब देखो कोई भी टाइप की ट्रेनिंग हो चाहे कैलिस्ट जिम सबसे पहले हम करते हैं वार्म अप अब लेट मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वार्म अप के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो वार्म अप के बाद है, हो। में में होते हैं स्किल वर्क जहां आप अलग अलग तरह की स्किल प्रैक्टिस करते हो स्किल्स में मेनली होते हैं स्टैटिक स्किल्स जहां पर आपको एक सर्टेन पोजीशन को होल्ड करना होता है कुछ देर के लिए स्किल्स की एक और भी कैटेगरी होती है जहां आप एक सर्टेन मूवमेंट को रेप्स के लिए करते हो रेप्स से मेरा मतलब है जहां आपको कॉन्सेंट्रिक और इंट्रिक पार्ट दोनों देखने को मिलेंगे स्किल वर्क खत्म होते ही हम शुरू करते हैं अपना मेन वर्कआउट जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे शुरू में हम करेंगे वेटेड कैलिस्थेनिक्स या फिर ऐसी मूवमेंट्स

And that's it. That's how we train in और ये मेक श्योर sure करने के लिए कि ये सारी चीजें आपके सर के ऊपर से ना जाए अगली वीडियो में एक सैम्पल रूटीन के साथ आपको सारी चीजें रिवाइज करवाऊंगा तब तक, तक के लिए बने रहो.